मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड की वीडियो सेकंड स्टडी करेंगे। कल हमने पढ़ा था प्लांट्स की स्टडी। कल हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी जिसमें फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, प्लांट ईटिंग एनिमल्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स एंड प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के बारे में, और डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग पढ़े थे जिसमें स्वलोइंग, ग्नोइंग और सकिंग के बारे में पढ़ा था, और इसका होमवर्क हमने आपको दिया था। आज हम कुछ और जानवर के बारे में पढ़ेंगे, वो किस किस प्रकार का खाना खाते हैं और क्या क्या करते हैं वो। जैसे मॉस्किटो एंड लीचेस। मॉस्किटो एंड लीचेस सक ब्लड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म भी क्या करती है, स्वलो सॉइल विच हैज पार्ट्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन इट। बटरफ्लाई के पास क्या था, सकिंग ट्यूब था, लॉन्ग सकिंग ट्यूब होने की वजह से वो सक नेक्टर फ्रॉम द लीफ, फ्लावर, जो फ्लावर का नेक्टर पार्ट होता है उसको सक कर लेती है। एलिफेंट, द ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट हेल्प्स इट टू ईट एंड ड्रिंक। इट यूजेस इट्स ट्रंक टू अपरूट ग्रास एंड टेयर ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम ट्रीज। एलिफेंट्स को पानी अधिक चाहिए। लिजार्ड एंड फ्रॉग के पास लॉन्ग स्टिकी टंग होती है जिसकी वजह से वो इंसेक्ट को कैच कर लेते हैं अपनी टंग से। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स में हमने कुछ प्लांट्स को, सॉरी एनिमल्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया, जैसे काउ, गॉट और कैमल। ये हमें क्या देते हैं, मिल्क। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं, जिन्हें हम पालते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। अगर हमें मिल्क की जरूरत है तो हम काउ, गॉट और कैमल्स को डोमेस्टिक करेंगे। गॉट, शीप, हैंस हमको देते हैं मीट। हैन, डक से हमें क्या मिल सकता है, एग। हॉर्सेस, बफेलो, बुल ऑक्स किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इनको फार्मिंग के लिए, खेती करते हैं उसमें। आपने देखा बैल, जिससे हम खेत जोतते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, बफेलो इस्तेमाल करते हैं, हॉर्स का यूज करते हैं। लेकिन हॉर्स, डंकी एंड बुलॉक क्या करते हैं, हमारे वजन को कैरी लोड्स, ये हमारे जो डंकी, हॉर्स, बुलॉक है उससे क्या करते हैं, लोड को कैरी करवा सकते हैं। क्योंकि हॉर्स, डंकी और बुलॉक लोड कैरी करते हैं, वजन का सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, तो इनको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए हमें इनको एनर्जी वाला फूड देना चाहिए, गिवन है, जो कि इनको एनर्जी प्रदान कर सके, ऐसे फूड हमको इन्हें खिलाने चाहिए। एग, जिन जानवर से हमें एग मिलता है, जैसे हैन एंड डक, इनको रिच प्रोटीन वाला खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि एग के लिए प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए हमें एग हमें इनको ज़्यादा खिलाने चाहिए। हॉर्स, बफेलो और बुलॉक को हम फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें अपने डोमेस्टिक एनिमल्स की बिल्कुल वैसे केयर करनी चाहिए जैसे हम अपने फैमिली मेम्बर्स की करते हैं, उनको टाइम से खाना देना, उनकी टाइम से केयर करना, उनकी हर ज़रूरत को पूरी करना। अगर वो बीमार हो रहे हैं, किसी कारण आपका काम नहीं कर पा रहे, तो हमें उनको डॉक्टर्स को भी तुरंत दिखाना चाहिए, जिससे हमारे एनिमल सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और हमारा काम भी टाइम टाइम पर होता रहे। अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, हम छोटा सा ब्रीफ देख लेते हैं डिटेल में अपने चैप्टर को। कल हमने क्या पढ़ा था,
प्लांट ईटिंग एनिमल्स पढ़े थे। प्लांट ईटिंग एनिमल्स कौन से थे? जो एनिमल्स केवल प्लांट्स को ईट करते हैं, घास फूस खाते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स। फ्लैश ईटिंग एनिमल, प्लांट ईटिंग एनिमल्स में हमने एग्जाम्पल देखे थे डियर, काउ, हॉर्स। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स वो एनिमल्स जो केवल फ्लैश खाते हैं दूसरे जानवरों का। जैसे एग्जाम्पल में हमने इसमें देखा था लायन, टाइगर, फॉक्स एंड जैकार। लेकिन इसमें कुछ बर्ड्स थी जो फ्लैश खाती हैं, जैसे वल्चर, काइट एंड ईगल। उसके बाद हमने पढ़ा था प्लांट्स एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, मतलब वो जानवर जो घास फूस भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। उसमें हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था बियर एंड क्रॉ। देन उसके बाद में हमने पढ़ा था डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग, अलग अलग प्रकार के तरीके खाना खाने के। इसमें हमने सोलोइंग पढ़ा था, जिसमें फ्रॉग और स्नेक पढ़ा था। सोलोइंग में क्या होता था कि जानवर खाने को निगल जाता था डायरेक्ट, उसको चबाता नहीं था, बाइट नहीं करता था, खाने को डायरेक्ट निकल जाता था। नोइंग में हमने पढ़ा था रैबिट और माउस, ऐसा जानवर जो अपने खाने को कुतर कुतर कर खा जाए। सकिंग, सकिंग में हमने पढ़ा था कि ऐसे जानवर जो सक कर ले, चूस ले किसी चीज को। जैसे बटरफ्लाई क्या करती है, उसके पास लॉन्ग ट्यूब होता है, सकिंग ट्यूब, तो क्या करती है फ्लावर के नेक्टर को सक कर जाती है। जैसे कि मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो क्या करता है, ह्यूमंस के ब्लड को सक करता है एंड अदर एनिमल्स की भी। इसमें हमने होमवर्क आपको दिया था कैटेगरीज में डिवाइड करने हैं एनिमल्स, उनके नेम लिखने हैं, उनके फूड लिखने हैं, वो क्या खाते हैं। आज हमने देखा मॉस्क्यूटो, लीचेस क्या करती हैं, ब्लड सक करती हैं ह्यूमन बॉडीज में से और अदर एनिमल्स में से। बटरफ्लाई फ्लावर के नेक्टर को सक करती है। अर्थवर्म जो सॉइल में डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स की बॉडी होती है उनको स्वॉलो करती है। एलिफेंट को, एलिफेंट क्या करता है, उसको ज़्यादा पानी चाहिए पीने के लिए, तो उसकी जो ट्रंक होती है वो उसको हेल्प करती है। और लिजार्ड एंड फ्रॉग में हमने देखा था उसकी लॉन्ग एंड स्टिकी टंग होती है, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट को आसानी से कैच कर लेते हैं। फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स आज हमने पढ़ा, उसमें हमने देखा काउ, गॉट और कैमल्स को हमने मिल्क के लिए डोमेस्टिक किया, गॉट सीप और हैंस को हमने मीट के लिए डोमेस्टिक किया, हैंस डक को एग के लिए डोमेस्टिक किया, हॉर्सेस, बफेलोस, बुल ऑक को हमने फार्मिंग के लिए डोमेस्टिक किया, हॉर्स, डंकीज एंड बुल ऑक को हमने कैरी लोड्स को लिए हमने डोमेस्टिक किया। डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जो हमें, हमारे पालतू जानवर होते हैं जिनको हम जरूरत के अनुसार डोमेस्टिक करते हैं अपने घर में, और उनकी देख रेख करना, उनका ख्याल रखना हमारा ही काम है। इसमें एक टॉपिक था आपका च्यूइंग ऑफ कर्ड, च्यूइंग द कर्ड। ये एक प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट स्वॉलिंग द फूड एंड लेटर ब्रिंगिंग बैक द फूड इनटू द माउथ टू च्यू इट स्लोली। आपने देखा होगा जानवर जब खाली समय में बैठा रहता है तो वो अपना मुंह चलाता रहता है, वो रेस्ट नहीं करता। वो क्या करता है, जब खाना खाता है, जब चारा खाता है, वो डायरेक्ट अंदर उसको निगल लेता है, फिर बाद में वापस उसको लाकर धीरे धीरे चबा चबा कर उसको कंप्लीट करता है अपने खाने को। अब आपका इसमें होमवर्क है कि आपको कुछ डिफरेंट, आपका होमवर्क, जस्ट अ मिनट, आपको क्या करना है, व्हाट काइंड ऑफ टीथ डू दीज हैव, जो एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स हैं, इनके किस प्रकार के दांत होते हैं, जैसे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स के किस किस प्रकार के टीथ थे, ये आपको बताना है। और आपको ये भी बताना है कि लर्न करना है कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो कौन से होते हैं और क्या क्या खाना देते हैं उनको। तो आज की वीडियो में इतना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।